चारों तरह आग ही आग धूल ही धूल है नोली तो बहुत आ रही थी अनगिनती आ रही थी लोग नीचे से आग जला जला के आया कमांडो का ड्रेस था देखा मैंने ये ढूंढ रहे थे ना तुम लोगों ने छुपाया है क्या बोल के ना वो धमकी दे रहे थे ना हम लोगों को सन्नाटा जले हुए घर जला हुआ स्कूल और मौतें यह है मणिपुर के सैरो गाँव की कहानी आज से जब तीन महीने पहले मणिपुर में हिंसा की शुरुआत हुई थी तो सैरो उन कुछ ऐसे गांवों में से एक है जहाँ शुरुआती एक महीने के अंदर हिंसा की गई थी इस गाँव में चार सौ मैथी घर थे जिनमें से 90 प्रतिशत घर जला दिए गए 28 तारीख की रात को सैरो गांव में हिंसा की शुरुआत हुई गोलीबारी आगजनी के साथ साथ यहां पूरी भगदड़ मची हुई थी इस गांव की अगर आप जोग्राफिकल लोकेशन को समझेंगे तो ये गाँव के अगल बगल कुकी डोमिनेटेड जो गांव हैं या इलाके हैं जब यहां पे आगजनी शुरू हुई 28 तारीख को सुबह से जब आगजनी चल रही थी लगभग तीन बजे तक यहां पे हिंसा जारी रही उसके बाद सुगनू में जो कुकी समुदाय के घर थे वहां पे भी आगजनी हुई मणिपुर में पिछले तीन महीनों से जो मैते समुदाय कुकी समुदाय के बीच खूनी रंजिश चल रही है उसका मेन लैंड इंडिया में अंदाज़ा भी नहीं है उन्हें पता नहीं है कि ये रंजिश और ये दुश्मनी कितनी ख़तरनाक हो चुकी है अभी हम सेरोगांव की तरफ जाएंगे और वहाँ हम समझेंगे कि सैरो में उस रात को क्या हुआ था सेरोगांव के बहुत से लोग जान जितने भी मैथी समुदाय के लोग हैं वहाँ से रिलीफ़ कैंपों में चले गए लेकिन वहाँ पे अभी भी बाकी नेपाली बंगाली समुदाय के लोग मौजूद हैं उस रात आप गाँव में थे क्या हम लोग गाँव में थे और क्या क्या हो रहा था पूरा पर आप बता सकें आपको याद हो आप कहाँ थे और क्या गांव में किस तरीके की भगदड़ चल रही थी या किस तरीके की आवाज़ें आ रही थी उसने उस दिन साढ़े दो बजे रात से ना फायरिंग शुरू हुआ वो उस पार नदी पार और यहाँ हम लोग के सामने में आने में आठ नौ बजे इसे उन लोग आया और मणिपुरी लोग सब भाग गए हम लोग नेपाली खाली हम नेपाली का आगार है नेपाली का बस्ती है बोल के हम लोग ऐसे यहीं रहा मट्टी में लड़के ऐसे सो रहे छुपके छुपके उस दिन हम लोग खाना पीना कुछ नहीं नहीं किया बच्चा लोग भी कोई भी ऐसे फायरिंग होते रहा दिन भर दो बजे के समय से थोड़ा कम हो गया और हम लोग बाहर निकल सके माहौल क्या चल रहा था गांव का वो लोग क्या क्या कर रहे थे उन लोग आके पूरा मणिपुरी का घर आग लगा के मणिपुरी मतलब मैते मैते हाँ। मणिपुरी का मैते मैते का घर आग लग, आग लगा के वहाँ से पूरा नीचे तरफ से आग लगाते लगाते आया और ऊपर तरफ से दो तो तीन चार जगह से उन लोग आग लगाने को शुरू किया था एक दो तो उन लोग का कोई कमांडो जैसा कपड़ा पहना वाला था और बंदूकें थी उनके बंदुगे थी। बंदुगे आ, पास बंदूक थी बंदूक सबके पास थी तुम लोग बाहर मत निकलो इसे बोला हम लोग नहीं निकाला। जब आपके पास आए थे तो क्या पूछ रहे थे आप लोग से? हम लोग तो हम हम लोग के बारे में तो कुछ नहीं पूछा उन लोग नेपाली किसका घर है नेपाली का घर है मणिपुरी का होने से उन नहीं, नहीं, नहीं छोड़ेगा ऐसा बोल के बोलता बोलता था और फिर पुलिस कितने बजे आई थी यहाँ पे पुलिस तो पहले से भी थे लेकिन आश्रम वो आया था नौ दस बजे ऐसे में आया था वो लोग आसम राइफल से वो फायरिंग हुआ आसम राइफल आने के बाद हम लोग छोड़ आग लगाने को बंद करके नीचे तरफ भाग गया चौबीस पच्चीस दिन तो हम लोग पूरा अंधकार में रहा गया लाइट भी नहीं था उस उसी समय से लाइट तो पूरा काट दिया था जल गया था वायर सब टूट गया था और हम लोग चौबीस पच्चीस दिन तो पूरा अंधकार जैसा ऐसा कोई गांव में आदमी भी नहीं था काचिंग डिस्ट्रिक्ट के सुगनू तहसील में पहाड़ियों से लगे सैरों गाँव के एक तरफ चुरचानदपुर है और दूसरी तरफ चंदेल है सैरों के अगल बगल के सभी गाँव कोकी बहुसंख्यक हैं सुगनू पुलिस स्टेशन एरिया में लगभग सैंतालीस गाँव हैं जिसमें से सिर्फ में महते रहते हैं और बाकी चालीस गाँव कोकी बहुसंख्यक हैं पुलिस के मुताबिक अट्ठाईस तारीख को सैरों पर हमला करने के बाद कोकी के इलाकों ने सुगनू पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया था और सुगनू बाजार में तकरीबन पंद्रह घर जला दिए थे इसके बाद बिष्णुपुर थोबाल इम्फाल से हज़ारों की संख्या में मैथी समुदाय के लोग काकचिंग पहुंचे और उन्होंने जोवांग गांव से लेकर सिंगतम गांव के बीच 150 कोकी समुदाय के घर जला दिए थे स्टार्टिंग से बताइए क्या हो गया था जब वो लोग आए ना इधर में हम तो अंदर में थे तो वो लोग पेट्रोल वगैरह लेके घूम रहे थे बंदूक में थे साथ में और आके अंदर घुस के चेक किया कौन है कैसा है बोल के और हमको तो सिर्फ बाहर भी निकलने नहीं दिया अंदर ही रहे और वो लोग इधर में मैथी का घर आग लगाना शुरू किया तो हम तो ऐसे ही डर के मारे अंदर ही छुप बैठे ना और जब ये आग लगा रही थी है तो कितना कितने लोग थे क्या आवाज़ें आ रही थी मतलब कब की बात है रात के वक्त की बात है कि दिन के वक्त की बात सुबह का बात है जब आठ बजे करीब आठ बजे ये लोग इधर में पहुंच गए थे हमारे घर के आसपास वो लोग तीस चालीस इधर में तो तीस चालीस ऐसे ही थे वो राउंड किए वो इधर में राउंड भी किया था ना हमारे घर के और वो आस हम इधर में बाहर भी नहीं निकल सके ना क्योंकि छोटा छोटा बच्चा था मुश्किल था ना हम लोगों को भी बाहर निकलना इसलिए खाना वगैरह भी नहीं खाए उस दिन हम भी सो रहे थे ना ताकि वो गोली लग ना जाए वो सोच के गोलियों की कितनी आवाजें आ रही थी उस वक्त गोली तो बहुत आ रही थी इतनी अनगिनती अनगिनती आ रही थी एक तो अंदर भी घुस गया ना जो हम सो रहे थे ना उसके बेड के अंदर भी घुस गए ना वो लोग घुस के चेक तो किए ना लेकिन वो अंदर में तो कोई नहीं थे सिर्फ हम ही थे तो वो लोग कुछ नहीं किए हम लोगों को तो गांव के गांव की क्या हालत दिख रही थी उस वक्त चारों तरह आग ही आग धूल ही धूल था ना इतना गर्म था वो आग से जल के बाहर निकलना भी हमको डर लग रहा था अभी तो इधर में हम बंगाली नेपाली सिर्फ वही है और कुछ नहीं है इधर में अभी तो इधर में काफी भी, भी नहीं खुल रहा है ना बहुत मुश्किल हो रहा है ना हम लोगों को भी खाने पीने बच्चे के लिए न डॉक्टर है ना के कुछ भी नहीं है इधर में अभी तो आप अकेले रह गए हैं अब इधर तो अब जब पहले जब ये आँख नहीं लगी थी और जो पहले सब नॉर्मल था तब गांव की स्थिति क्या थी और उसके बाद गांव की स्थिति क्या है ये बताइए आपको कैसा लगता है इस गाँव पहले तो सभी लोग थे साथ में रहते थे बहुत अच्छा था ना अभी तो इधर में जंगल हो गया कोई नहीं है अच्छा नहीं लगता है ना हमको भी इधर में रहने के लिए सब सभी जाति होने से अच्छी तरह से रहते थे ना तो वो भी हमारा हमको प्यार करते थे हम भी उनसे प्यार करते थे अभी तो इधर में हम सिर्फ हम ही है कुछ अच्छा नहीं लगता है और रात को यहाँ का माहौल कैसा होता है मतलब जब ऐसे सब घर जले हुए हैं तमाम तो किस तरीके से आपकी यहाँ मतलब पुलिस वगैरह रहती है क्या रहता है हाँ पुलिस तो ड्यूटी रहे है ना वो तो लेकिन फिर भी हम भी तो थोड़ा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि कब क्या हो सकती है कुछ मालूम नहीं है अभी तक कुछ, क, कुछ को, को, कोई कुछ नहीं कर कह, सकते ना इसलिए थोड़ा डर के रहे थे जब आपके घर में वो घुसे थे और उसको मतलब जैसे जो भी शोरगुल हो रहा होगा या जो भी हो रहा था वो क्या चिल्ला रहे थे क्या बोल रहे थे वो लोग कुछ सुनाई दिया था आपको नहीं वो लोग तो ये मै ही ढूंढ रहे थे ना अंदर में छुप गया है क्या तुम लोगों ने छुपाया है क्या बोल के ना ना वो धमकी दे रहे थे हम हम लोगों को लेकिन इधर में तो कोई छुपा नहीं था लेकिन उन जो कितने लोग आपके अंदर घर के अंदर घुसे थे कितने लोग थे वो लोग चेकिंग करने के लिए सिर्फ तो दो तीन आदमी घुस गया उनके पास हथियार थे मतलब हाँ हथियार था सात बजे जैसा में वो लोग नीचे से आग जला जला के आया तो हम लोग घर को हम लोग तो जल के देख देखा घर का अंदर में बैठ के मेरा फैमिली मना पोता पोती लेके बैठा था तो उसी समय में वो लोग जला जला के आया हल्ला करता है कुकी का भाषा से वो लोग का भाषा से तो हम लोग खिड़की खोल के देखा वो लोग को हम लोग पहचानने को तो नहीं सका तो एक दो दो तीन आदमी तो ड्रेस का भी था और दो तीन आदमी चार आदमी कितना वो लोग बिना ड्रेस का था सिविल में वो लोग पहना था कि कमांडो का ड्रेस पहना था अच्छा। देखा मैंने हम लोग को पूछा कि यहाँ में आप लोग नेपाली कितने हैं घर हम लोग बोला कि हम लोग आठ नौ घर जैसा होगा मणिपुरी का तो घर बचा आप लोग ने खत्म कर दिया अभी यहाँ से ऊपर को तो सब नेपाली है ऐसे ही बोल दिया हम लोग ने तो ऐसा बोलने में तो तुम लोग नेपाली होने से तो घर का अंदर ढुक के चुपचाप से बैठो तुम लोग को कुछ होने को नहीं देगा ऐसा बोल के वो लोग ने हम लोग को अंदर में रुकाया तो आगे फिर आशा मफल आगे से गाड़ी लेके आया तो वो लोग सीधा नदी तरफ में भाग गया कहाँ भाग रहे थे किस तरफ भाग रहे थे जो लोग मित लोग तो यहाँ से क्या तो था ये तो इम्फाल तरफ में इसे सुगनों ऐसे भाग गया ये यहाँ से भाग के मंत्री का घर में गया वहां में भी फिर हमला हो गया बोल गए लोग इसे सुगनों होके ऐसे कपचिंग तरफ में कई बैठा तो उनका निकाल नहीं, नहीं निकालने को नहीं पाया सब जल गया कोई किसी का धान दूसरा जगह में रखा था ना अलग से तो बसा नहीं तो नहीं बचा का चला गया सामान यहाँ पे एक स्कूल को जला दिया गया था तो अभी हम लोग उसी स्कूल में आए यहाँ पे ये जो क्लासरूम्स हैं ये जले हुए हैं यहाँ पे यहाँ पे बेंचेस पड़ी हुई हैं ये ऐसा एक बोर्ड है यहाँ पे जिसपे प्रदीप और कुछ और भी इंग्लिश में शब्द लिखे हुए हैं नाम लिखे हैं लोगों के इधर एक और कमरा है वहाँ पे बच्चों के कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो पड़ी हुई है ज़मीन पे किताबें पड़ी हुई हैं यहाँ पे ये जो पूरा पूरा मतलब ये जो आई थिंक ये स्कूल का स्ट्रक्चर था वो भी पूरा जला हुआ है और इधर ये गांव का स्कूल है बिल्कुल मतलब जो यहाँ पे एक बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो सब है लेकिन यहाँ की ऐसा लगता है कि यहाँ पे अच्छी खासी तालीम दी जाती थी ये बच्चों के रिजल्ट दिए हुए हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं ये जो वाइट बोर्ड है इसके ऊपर अल्फाबेट्स का टेबल है इधर पूरा जो स्कूल था गांव के बच्चों का वो पूरा तबाह हो चुका है तीन मई को जब मणिपुर में हिंसा की शुरुआत हुई और मणिपुर के अलग अलग इलाकों में हिंसा हो रही थी वहीं सुगनू में माहौल शांत था चार मई को सुगनू को एम के रंजीत ने एक पीस कमेटी का गठन किया था जिसमें कुकी मेती नागा नेपाली बंगाली यहाँ के रहने वाले जितने भी तमाम अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे उनको इकट्ठा किया और इस बात पे यह तय हुआ था कि भले मणिपुर में भले किसी भी तरीके की हिंसा हो रही हो सुगनू में किसी भी तरीके की हिंसा नहीं होनी चाहिए और इस पीस कमेटी ने काफ़ी अच्छी तरीके से 27 तारीख तक यहाँ शांति की बरकरार रखा अट्ठाईस तारीख की सुबह सुबह करीबन ढाई से पौने तीन के करीब सेरो नाम के जो गांव है यहाँ पे अटैक शुरू हुआ अट्ठाईस तारीख से लेके सात जून तक सुगनू के पूरे इलाके में वॉयलेंस जारी थी यहाँ पे गन फाइट्स हो रही थी यहाँ पे घर जलाए जा रहे थे ये वॉयेंस सात तारीख तक चलती रही और उसी दौरान के रंजीत का जो घर है उनके घर के ऊपर भी हमला हुआ और उसे भी आग लगा दी गई थी सुशानपुर तो में यह हंगामा शुरू हुआ था तीन तारीख को टिबुंग का जो मणिपुरी एरिया है जो मणिपुरी एरिया जो हिंदूज जो रहते हैं मणिपुरी हिंदू उनका घर जलाना शुरू किया था तीन तारीख को फिर उसके बाद चार तारीख को क्या किया हमारा एम एल वापस आए इधर ही आया अपना शुगन पी में यहाँ का लोकल विलेज है जहाँ पर कुकीस होते हैं जितना नाइवर्स कुकीज़ है कुकीज़ सिर्फ और नागा चिप्स और मणिपुरी तीनों कम्युनिटीज़ का एक कमेटी बनाया गया था पीस कमेटी ठीक है पीस कमेटी बनाया गया है इसी कारण से आराम कब भी कोई हंगामा बिना का हंगामा है यह पीसफुल्ली रह रहा था फिर अचानक 28 तारीख को 27 की सबेरे और 28 की आ, नाइट मान लो ढाई बजे दो बज के चालीस मिनट पर ये से तरफ से अटैक करना शुरू किया था इस गांव में कौन लोग थे ये कुकीज टेररिस्ट मैक्सिमम जो ब्रह्मिश लोग जो होते हैं वो लोग यहाँ पे सेटल हुआ होगा उन्होंने ये शुरू किया था क्योंकि कूज कम्युनिटीज जो है फिर भी मैं इतना ये, ये जानता हूँ क्योंकि कुकीज कम्युनिटीज के जितना भी हमारा नाइबर्स में रहते हैं हम भाईचारा में बहुत अच्छे रहते थे अच्छे रह रिश्ते थे उन फिर भी किसी भी तरीके से उन लोग को ऐसे ही प्रेशर मिला ताकि उनको भी शामिल करना पड़ा इसमें कर रहे थे क्या था मतलब आग कैसे लगा रहे थे या क्या क्या कर रहे थे बताइए देखिए आग लगाना शुरू किया था सुबह साढ़े पाँच बजे के बाद रात भर तो उन लोग गुल्लू चलाते रहा गोली चलाते रहा और हमारा सिविलियन है जो अन है सिविलियन लोग तो क्या उनके पास कुछ भी है नहीं हमारे पास ना हथियार है बस सिंपली हमने उनको भरोसा किया क्योंकि हम सोचते थे भरोसा पीस कमेटी है हमारा आपस में कुछ नहीं होगा स्टेट का किसी भी कोने में जो हंगामा होने से भी इस एरिया में नहीं होगा करके ये विश्वास था हमारे ऊपर फिर जो विश्वास हमने जो रखा गया है उसी विश्वास को उन्हें 27 मायर को तोड़ा और ये जो आग लगी थी तो जैसे आपने बोला किसने इलाके में आग लगी थी मतलब कितने मेथे लोग के घर चले थे इसमें देखिए हमारा यहाँ पे फोर हंड्रेड एटी हाउसेस है किसका मणिपुरी मेटेज का ठीक है इसका नाइन्टी परसेंट जला दिया गया था दो तरीके दोनों तरफ से एक बार में जलाया दूसरे बार में भी, भी जला के अभी चालीस पैंतालीस घर बचा हुआ है बस इसमें एक औरत मिला के चार को कैजटी हुआ इंजर हुआ और दो तीन एक नेपाली एक फ्रीडम फाइटर्स का जो औरत है हाँ, और प्लस एक मणिपुरी मैटिज है तीनों को मार दिया गया एक जिंदा जिंदा जला दिया गया था वो इसको जो फ्रीडम फाइटर्स के वाइफ है मौरबा इब तोम्बे शोरुखाफ तम्बे उसको जला दिया गया ठीक है और दूसरा एक बहिन महिंद्रो नाम था और एक्स्ट्रीमली एक सर्दन में वो अकेले थे तो उसको गर्न काट के मार दिया गया ऐसे विक्टिम्स हुआ था यहाँ पे और बाकी बचा हुआ जो कुछ लोग तो पहले ही भाग चुके थे गाँव सुर के क्योंकि हंगामा किसी भी समय हो सकता है करके कुछ लोग यहाँ पे बच्चे हुए थे फैमिलीज जो है औरत बच्ची सारे मिला के टू लोग थे इसमें कंपैक्ट में रात भर गुजरा था इसमें में हुई तबाही देखने के बाद हम सुखनू रिलीफ कैंप गए जहां कुछ विक्टम से हमने बात की। आपका घर कब जला और उस घर में कोई था क्या? उसका जब मेरा घर जला गया था उसी दिन हम लोग घर पे नहीं थे हम लोग ऑलरेडी तीन चार तारीख को हम लोग घर छोड़ के दीदी के घर में रहने लग गया तो वहाँ पे दर, दर से हम लोग ने वहाँ में नहीं गया तो जिस दिन घर ट्वेंटी एट को जब अटैक हुआ था एक्चुअल अटैक हुआ था उस समय हम लोग घर पे नहीं थे घर जलने की बात हम लोग कक्चिंग खुनऊ की रिलीफ कैंप में थे तो वहाँ पे रिलीफ कैंप में खाने पीने का तो कोई दिक्कत नहीं था वो लोगों ने बहुत अच्छे से ख्याल रखा हम जितना भी इनमेट्स का लेकिन एक जो प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा बच्चा छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो बच्चे के साथ ओपन में रिलीफ़ के में साथ में रहना ये बहुत मुश्किल था और एक तो घर पूरी तरह से जल गया कुछ भी नहीं बचाया तो उसी 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 के लिए तो बहुत दुखी है बहुत और हम लोग कब तक वो जितना जो लॉस हुआ है वो उसका भरपाई हम कब तक कर पाएंगे ये तो बहुत मुश्किल है लेकिन बस अभी जो हम लोग ज़िंदा है ये रिलीफ कैम जितना भी रिलीफ कैम्प वहाँ पे भी यहाँ पे भी हम लोग अच्छे से खिला पिला के रखा है Uh, मेरा खेती तो नहीं है लेकिन हम लोग ने धान uh, खरीद के एक साल के लिए खाने के लिए रखा गया था वो तो जल गया और uh, सामान uh, जितना भी जो घर का सामान है मेरा uh, बेड का आलमराज और uh, आयरन आलमराज और मेरा जो भी जितना भी घर की जो सामान ज़रूरत सामान है वो सब जल गया देखिए गोदरेज अगुम खरा चाख रहे जब आपका ये घर जल रहा था तो उसका मतलब कैसे शुरुआत हुआ उसको और आप लोग को जब घर लाने आए तो आप लोग क्या कर रहे थे वहाँ से कैसे भागे आप लोग जब पहले शुरू हुआ था तो पहले तो पता नहीं था रात को कुछ आवाज़ आने लग गया तो मेरा हस्बैंड बाहर जाके देखा तो तब देखा कि दूसरों की उनके घर तो तब तक नहीं जला गया था दूसरों के घर अगल बगल में जब जलाना शुरू हुआ था देखा था तो उनके हस्बैंड ने अंदर आके बोला अभी तो ये घर जलाना शुरू हो गया आ, मेरा इसलिए हम लोग यहाँ से निकलना पड़ेगा तो ये लो, ये लोग मतलब जो रूट पे है जो मेन रूट पे है वहाँ तो आ नहीं पाया हम लोग इसीलिए हम लोग दूसरों की घर की मतलब जो गली गली या कुछ ऐसे पासिस ढूंढ के आए तो हम थोड़े देर के लिए तो रात की टाइम था इसीलिए हम लोग थोड़ा रास्ता भी वहाँ पे बतक गया था लेकिन बहुत मुश्किल से आते आते मतलब एम एल के घर हम लोग पहुँच गए और वहाँ पर हम लोग घुस के एम के घर में रहा था हाँ उस समय हम लोग कुछ भी ले नहीं पाए क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा क्योंकि अगल बगल से अब वो बम की आवाज़ भी आया था बंदूक की आवाज़ भी आया था और घर भी जस्ट बगल की घर पीछे की तरफ घर जलना शुरू हो गया इसलिए हम लोग बच्चे का एक दो सामान जो बैग छोटा सा बैग में हम घुसा के बच्चे और हम लोग आ, आ गया भाग के आ गया तो बाद में आ, उन्होंने फिर उस समय उनके हस्बैंड बाहर में था मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आ, कुछ ब्लैंकेट भी लेके आई है तो उस समय मेरा हस्बैंड ने बोला घर तो जल गया तब मैंने विश्वास नहीं किया दोबारा बोला आप मजाक मत करो एलिस ब्लैंकेट तो ले आओ हम जहाँ भी रहेंगे कुछ ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ेगा तो फिर मेरा हस्बैंड ने बोला नहीं घर जल गया तो उस वक्त मैं बहुत मतलब ऐसा ऐसा फीलिंग था कि क्योंकि शेरों में सब ने बोला कि बेंगोली और नेपाली का घर तो कुछ नहीं होगा तो मेरा हस्बैंड तो मैं तो बेंगोली हो गया अभी और हम लोग का घर भी जला गया था तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मतलब आप हो गई फिर भी आपका घर क्यों जलाया गया अभी तक हम लोग भी हैरान में हैं क्योंकि ये कुकी और का कही लड़ाई कि जैसा बोला गया था और शेरों में तो बंगाली और आ, कुकी लोगों के साथ कोई ऐसे मनमाती नहीं था तो हम लोग ने भी यही सोच के हम लोग घर से कुछ नहीं लेके आया कि हम लोग को घर नहीं जलाएगा लेकिन अभी जल गया तो अभी तक हम लोग भी बहुत हैरान में है कि हम लोग कोई पर्टिकुलर रीज़न हम लोग नहीं पता चला और शेरों में पाँच बंगाली लोगों का घर भी जला गया है और दस दुकानों भी जला गया है बेंगोली का तो इसीलिए हम लोग कोई भी अभी कोई पर्टिकुलर रीजन या एक तरफ हम सोचते हैं कि मैं आ, मैते ही की हूँ इसीलिए हो भी सकता है मणिपुर में अब तक साठ हजार से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं सैरो गांव की कहानी हमें मणिपुर हिंसा का शिकार हुए दोनों ही समुदाय के हजारों लोगों का दर्द बयां करती है journalism at news laundry is powered by the public because when the public pays the public is served visit newslaundry.com slash subscription and pick a payment plan of your choice pay to keep news free and independent your future and indeed the future of democracy depends on it